गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। मैं सैयद नईम हुसैन आपका एआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिप्टी नज़ीर अहमद। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 10th क्लास का अपन ने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग उसकी इम्पोर्टेंट बातें सुनाने हैं याद, वो मैं क्लास में डिस्कस करवाऊंगा और बोर्ड पे हाईलाइट करवाऊंगा और फिर दूसरे तीसरे दिन जब वो पूरा हो जाता है तो उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछला जो चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है वो सर सैयद अहमद खान का, जिसमें अपन ने सवाने याद भी पढ़ी। सर सैयद अहमद खान ने जो वक्त लिखा है उसकी इम्पोर्टेंट बातें भी मैंने बोर्ड पे कराई। फिर तीसरे वीडियो में मैंने उसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाए। अब दूसरा सबक स्टार्ट होता है जिसका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ सबक आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है जिसका नाम है वक्त। डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ जो सबक है वक्त, ये दूसरे नंबर का सबक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करने वक्त पे बात करने से पहले मैं कुछ डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू अदब की मायना शख्सियत है ये, और उनका नाम इस खास तौर से बतौर नसर के तौर पर, नसरी अदीब के तौर के ऊपर इनका खासा मुकाम है। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या है ये। देखिए इनका असली नाम नज़ीर अहमद था और इनकी जो विलादत है वो कब हुई, 1836 बिजनौर। याद रखना जो भी बड़े मुसन्निफ हैं, खास मुसन्निफ हैं, उनकी विलादत का सन और उसकी जो जगह, ये दोनों आपको आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है आपके लिए भी पूछे जाएंगे। तो 1836 ईस्वी में बिजनौर के अंदर पैदा हुए डिप्टी नज़ीर अहमद, ये ध्यान रखना। अब इन नज़ीर अहमद की हम बात करें तो नज़ीर अहमद बचपन से ही जहीन थे और इन्होंने जो शुरुआती जो तालीम है वो कानपुर में, ये बिजनौर में ही हासिल की और बाद में बिजनौर में ही दिल्ली कॉलेज, बिजनौर के से निकल के ये कहाँ चले गए, दिल्ली में, और दिल्ली कॉलेज के अंदर इन्होंने फलसफा, रियाजी और अंग्रेजी की तालीम हासिल की। फलसफा को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र के अंदर इन्होंने डिग्री हासिल की। रियाजी, यहाँ रियाजी को हम मैथ्स के नाम से जान सकते हैं और अंग्रेजी एक भाषा है, यानी तीन सब्जेक्ट में इनको महारत है हासिल थी। और ये तीनों सब्जेक्ट की जो डिग्री है वो इन्होंने कौन से कॉलेज से हासिल की, दिल्ली कॉलेज में। और एक और बात आपको बता दूं मैं, मौलवी अब्दुल हक से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, ये ध्यान रखना। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इब्तदाई जो तालीम है वो किससे हासिल की, मौलवी अब्दुल हक से तालीम की। इब्तदाई तालीम जो इनकी घर की जो तालीम है वो इन्होंने मौलवी अब्दुल हक से हासिल की। और फिर जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो कानपुर में ये क्या बन गए, कानपुर में डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से ये फाइज हुए, वहां उनको मुकर्रर किया गया और डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से इन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया। अब डिप्टी नज़ीर अहमद की खास बात यह है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है, ध्यान रखना। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है, यानी नावल की जो नींव है उर्दू अदब में वो डिप्टी नज़ीर अहमद ने ही रखी। अब कौन कौन से इन्होंने जो मशहूर नावल हैं जो लिखे हैं वो मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लिख दिए हैं। एक है मिरातुल उरूस और एक है बिनातुन मैश, एक है तौबतुन नसू और एक है इब्नुल वक्त। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जाएगा, 90% इम्पोर्टेंट है ये, पूछा भी गया और दोबारा भी रिपीट हो सकता है। डिप्टी नज़ीर अहमद की ये चार नावलें मैंने लिखी हैं और इन चार में से किसी भी एक के बारे में पूछा जा सकता है। सवाल यूं बनता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की किसी दो मशहूर नावलों के नाम लिखिए, तो दो नावल कोई सी भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो कौन सी, फिर से पढ़ के बता रहा हूं मैं, मिरातुल उरूस, मिरातुल उरूस, बिनातुन नैश, बिनातुन नैश, तौबतुन नसू और इब्नुल वक्त। कल मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, आपको ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये चार नावल है,
डिप्टी नजीर अहमद की है, क्योंकि डिप्टी नजीर अहमद नावल निगारी में उर्दू में मील का पत्थर साबित हुआ, यानी इन्होंने जो नींव रखी वो डिप्टी नजीर अहमद ने ही रखी नावल के अंदर, ये ध्यान रखना। और इनको डिप्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कानपुर में ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डिप्टी कलेक्टर के ओहदे के ऊपर फाइज हुए। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा जो कारनामा है वो कारनामा ये है, इंडियन सबसे बड़ा जो कारनामा है वो है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड यानी हमारा जो भारत का जो संविधान है उस संविधान का उर्दू में तर्जुमा किया किस टाइटल के साथ में, काजीराते हिंद, ये ध्यान रखना। डिप्टी कलेक्टर नजीर अहमद ने इंडियन पेनल कोड भारतीय संविधान का जो तर्जुमा है वो किसमें किया, काजीराते हिंद के अंदर किया। तो ये डिप्टी नजीर अहमद की कुछ खसूसी बातें थी जो मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके सामने हाईलाइट की। अब इनका जो इंतकाल है वो भी स्टूडेंट से आप याद रखना, इनका जो इंतकाल है वो हुआ 1912 में दिल्ली के अंदर इनका इंतकाल हुआ। पैदा कहाँ हुए, पैदा कानपुर में हुए और सॉरी बिजनौर में हुए, और कानपुर में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए, और इंतकाल कहाँ हुआ, दिल्ली में। तो तीन जगह नाम याद रखना आपको, बिजनौर में पैदा हुए, कानपुर में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए, और 1912 में इंतकाल हुआ दिल्ली के अंदर। तो ये डिप्टी नजीर अहमद की कुछ खसूसी बातें थी जो मैंने यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लिखी। कल मजमून जो इनका लिखा हुआ मजमून है जिसका नाम है वक्त, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। जब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।